कि एक दिन मेरे पिताजी बहुत गुस्से में आ गए कि मैं पढ़ नहीं रहा था, तो वो मतलब यहाँ तक पहुँच गए थे मुझे थप्पड़ मारने वाले थे, तो थप्पड़ मारने वाले थे और मैं भी बहुत गुस्से में था क्योंकि मेरे मार्क्स बड़े कम आए हुए थे। तो मुझे पूछते हैं कि पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा, जिंदगी में क्या करेगा। सच्ची कह रहा हूँ, ऐसे ही मुंह से निकल गया मैं हीरो बन जाऊंगा। फिर मुझे भी मतलब डैडी और मैंने बैठ के बात भी की थी इसके बारे में कि यार एक कमाल का भगवान जब बनाता है तो वो आपके आपकी जिंदगी कमाल कर देता है। ये बात एक बोलने से ले गई थी बस, वरना आई नेवर मेंट इट। और पढ़ने का ज्यादा मुझे इतना शौक नहीं था, खेलकूद का बहुत शौक था। वॉलीबॉल खेलता था, क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल खेलता था, हॉकी खेलता था। स्पोर्ट्स की कोई भी चीज़ आती थी तो मुझे बहुत शौक होता था। पिताजी कभी कभी डांट लगाते थे कि बेटा पढ़ भी लिया करो, तो इतना फिर कहते थे बेटा पढ़ो, इतना इतना तो पढ़ लो कि कम से कम दो दुनी चार होता है, अंग्रेजी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, हिंदी लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, मराठी आनी चाहिए, इतना बहुत पढ़ लो। मैं समझ सकता हूँ कि पढ़ने का इतना शौक नहीं है क्योंकि कोई कोई बच्चे होते हैं। फिर मैंने भी कराटे ज्वाइन किया और कराटे में फिर मुझे इंटरेस्ट आने लग गया, मार्शल आर्ट में इंटरेस्ट आने लग गया। तो मुझे उन्होंने कैसे भी कैसे पैसे जोड़ जोड़ के मुझे बैंकॉक भेजा, वहाँ मैंने 5 साल कराटे सीखा, वहाँ फिर मार्शल आर्ट थाई बॉक्सिंग सीखी, वहाँ बैठा रहा। फिर उसके बाद मैं कलकत्ता पहुँचा, वहाँ काम किया, फिर ढाका पहुँचा, वहाँ काम किया, दिल्ली में भी मैंने कुंदन की ज्वेलरी के काम करता था। फिर उसके बाद मैं बॉम्बे वापस आया, बॉम्बे में बच्चों को ट्रेन करता था मार्शल आर्ट में, सबको ट्रेन करता था, पैसे कमाता था, करीबन 5-6 हज़ार रुपये महीने के कमा लेता था। और उसी दौरान मुझे किसी ने एक मुझे स्टूडेंट के फादर थे, उसने कहा व्हाई डोंट यू अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो, लंबे चौड़े हो, शक्ल भी अच्छी अच्छी है, तो आप मॉडलिंग क्यों नहीं कर लेते। तो मुझे तो पता भी नहीं था मॉडलिंग होती क्या है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मुझे मेरे माता पिता को किसी को नहीं पता था। तो कहा जी मॉडलिंग कर लो, फोटो खींचते जा रहे थे और 2-2.5 घंटे काम कराया, फिर 21,000 का चेक दिया, बोले आप जाइए खत्म हो गया। बोले बस, हाँ बोले यार 5,000 काम करता हूँ, महीने का 5-6 हज़ार मिलता था महीने का, ये 2 घंटे में इन्होंने 21,000 दे दिया। फिर मैंने बोला यार मैं मॉडल बनूंगा, फिर मैंने मॉडलिंग शुरू की। फिर मैं जाता था लोगों के पास अपनी तस्वीरें ले लेके कि जी मुझे देखो, करते 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 थोड़ी बहुत मॉडलिंग की, फिर मैंने रैंप वॉक किया, उसके बाद करते 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 किसी ने एक फिल्म ऑफर कर दी। फिर मुझे मिस्टर प्रमोद चक्रवर्ती जी मिले, उन्होंने कहा भाई मैं आपके साथ एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। और आज भी मुझे याद है, शाम के 6:30 बजे हुए थे और उन्होंने मेरे हाथ में 5,001 रुपये का चेक दिया था। मैंने जब अपनी इंडस्ट्री में आने के लिए आप बनाते हैं, फोटोग्राफ बनाते हैं, फोटो खिंचवा के पोर्टफोलियो जिसे कहते हैं, और जहाँ मैंने फोटो खिंचवाई वो थी जू बीच पे, एक दीवार थी उधर, और दीवार के ऊपर मैंने वैसे मैं बंगले के अंदर करना चाहता था कि मुझे अंदर बुलाया, तो उसने चौकीदार ने अलाउ नहीं किया क्योंकि वो किसी का प्राइवेट बंगला था। तो दीवार पे बैठ के मैंने सारी फोटो खींची। फिर करीबन 15-20 दिन पहले मैं वो फोटो सारी देख रहा था, पुरानी फोटो देख रहा, तो मैं देखा ये तो वही दीवार है जो आज 24 साल बाद मैं उसी दीवार उसी बंगले पे जहां मुझे अलाउ नहीं किया था शूटिंग करने के लिए, उसी बंगलों पे मैं रह रहा हूँ। ये हर एक बच्चे के हर एक लड़के के जिंदगी में आता है कि अब मैं क्या करूं, और उस वक्त वो यही करता है जो उसको नजर में आता है, जो उसकी समझ में आता है। हमारे यंगस्टर्स के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन एक बहुत जरूरी चीज है, ये होना चाहे लड़का हो या लड़की हो। हर बच्चा कहीं ना कहीं दिमाग से आता है, कोई बच्चा कंप्यूटर पे बहुत अच्छा काम करता है, कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा साइंस में अच्छा होता है, तो कोई बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा होता है। हर बच्चे की एक एक गुण होता है, ये माँ बाप का काम है कि उस गुण को पता करें और उसको निकालें और उस लड़के को अपने बच्चे को उस तरफ फोर्स करें। तो मैं समझता हूं कि हर माँ बाप को ये बात समझनी जरूरी है कि आपका बच्चा बनना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है।